नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और अगले आम चुनाव के लिए पूरे जी जान से जुटी हुई हैं और इसकी पुष्टि उनकी एक रणनीति से साफ तौर पर देखी जा रही। पार्टी के नई प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के कई नेताओं को शामिल किया गया। आखिर कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है और किन के नाम इस लिस्ट में देखे जा रहे हैं, इस खास रिपोर्ट को देखें। राजनीति में कब कौन अपनी बात से पलट जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ हुआ है। ममता ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव के बाद अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन जल्दी अब वो अपनी बात से पलट गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और उनके साथ लड़ने का ऐलान किया। लेकिन अब एक बार फिर से ममता ने ऐसा ही दाव खेला है जो बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उनको कितना फायदा पहुंचा सकता है। दरअसल पार्टी ने 20 राष्ट्रीय और राज्य के 40 प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, लेकिन खास बात यह है कि राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची में अधिकतर नेता उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। इनमें वरिष्ठ नेता सुकेंद्र शेखर राय, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले का नाम शामिल है। इनके अलावा अमित मित्रा, बाबू सुप्रिया, कीर्ति आजाद, मुकुल संगम जैसे चर्चित चेहरे भी शामिल हैं। हालांकि इनको शामिल करने की एक वजह विपक्ष के प्रोपेगेंडे को रोकना है ताकि कांग्रेस और बीजेपी का जमकर मुकाबला किया जा सके, लेकिन कुछ राजनीतिक जानकार इसे राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता के तौर पर भी देख रहे हैं। 21 साल की उम्र से राजनीति का सफर शुरू करने वाली ममता बनर्जी की नजर अब देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर है। मोदी के मुकाबले के तौर पर ममता बनर्जी की छवि काफी मजबूत मानी जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 2021 में बंगाल के विधानसभा में मोदी की इतनी रैलियों के बावजूद भी ममता ने 292 में से 203 सीटों पर जीत हासिल की है। वही भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें ही मिल पाई। ये नतीजे बताने के लिए काफी है कि प्रदेश के अंदर ममता की छवि को मोदी भी फीका नहीं कर पाए। ममता की राजनीतिक पकड़ ऐसी है कि उन्हें 12 साल से सत्ता में कामयाबी हासिल हुई है। सीएम बनने से पहले 25 साल लोकसभा सांसद रह चुकी, ऐसे में इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रखने के बाद वे राज्य से केंद्र का रुख करना चाहेंगे। हालांकि उनके सामने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और शरद पवार भी हैं। उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा और जो लंबे समय से पीएम बनने का सपना भी देख रहे हैं। बहरहाल ममता बनर्जी साफ कर चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है, लेकिन उन्हें इस लड़ाई में कांग्रेस की बॉस वाली भूमिका स्वीकार नहीं। लेकिन महागठबंधन के कई नेताओं का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में उन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खासा जनाधार रखती है, लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद विपक्ष कांग्रेस के समर्थन में एकजुट हो चुका है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राहुल की सदस्यता जाने के एक अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक राहुल की अगले आम चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन सूरत कोर्ट के फैसले के बाद पूरी पटकथा बदल चुकी है। ऐसे में ममता जरूर पीएम पद के लिए सपना देखना चाहेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने पार्टी प्रवक्ताओं को यूपी और बिहार के लोगों को शामिल करके की है, क्योंकि ये वही नेता है जो दोनों राज्यों की नब्ज अच्छे से समझते हैं। हालांकि उनकी राह भी अभी आसान नहीं और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चस्व बढ़ता हुआ जो नजर आ रहा है, उससे विपक्ष के अंदर बौखलाहट भी लगातार बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।